ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के गुड लक में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य हर रोज की तरह आपके साथ हूँ। कार्यक्रम में आज का गुड लक, जी हाँ, गुड लक कहाँ से आएगा, कौन सी दिशा से आएगा? शास्त्र में कहा गया है कि हम अपने जीवन की दशा बदल सकते हैं केवल दिशा को बदलकर। आज हम आपको बताने वाले हैं ईशान कोण के महत्व के बारे में। आप सब जानते हैं ईशान कोण भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व रखता है, आपके घर के बड़ा महत्वपूर्ण कोण को कहा जाता है ईशान कोण। कैसे वह आपके जीवन में समृद्धि के योग बना सकते, क्या हमें उस दिशा में करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए, ये सारे रहस्य तो हम आपको बताएंगे आज के मुख्य कार्यक्रम में। लेकिन साथ साथ आपके प्रश्नों के समाधान, आपके जीवन में ग्रह क्या खेल खेलने वाले हैं, कौन सा उपाय करके आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, परेशानियों को दूर कर सकते हैं और अपने भाग्य की तरफ आप अपना रास्ता बना सकते हैं, सारी बातें इस कार्यक्रम में होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्यक्रम के आरंभ में आज के पंचांग की। माँ अम्बे करेंगे कल्याण, भाद्रपद का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, दशमी तिथि है, रविवार का शुभ अवसर है। मृक्षरा नक्षत्र आज विद्यमान है, हर्षण नाम का शुभ योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है वृक राशि के उपरांत रात को शाम को करीब करीब 6:10 पर मिथुन राशि पर जाने वाले हैं। शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए, 12:04 से लेकर 12:55 तक का समय बड़ा शुभ रहेगा। और साथ साथ राहुकाल जो आज रहेगा शाम को 5:15 से लेकर 6:50 तक रहने वाला है। साथ साथ एक काम और भी है, आज भद्रा भी आने वाली है, दोपहर को 14:22 से भद्रा का भी काल आरंभ हो जाएगा। इसलिए कोई भी नया कार्य करना, कोई भी पुण्य कार्य करना इस समय निषेध शास्त्र में कहा गया है। आज पूर्णा तिथि है, रविवार का अवसर पड़ रहा है, बड़ा शुभ योग पड़ रहा है। और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आज बुजुर्ग दिवस के रूप में भी आज की तिथि को माना जाता है। तो भारतीय संस्कृति में तो सबसे पहले आज के दिन को पूर्णा तिथि के रूप में जाना जाता है, रविवार का दिन है, बड़ा ही शुभ योग बना रहा है। मान्यता है कि रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से भाग्योदय के अद्भुत योग बन जाते हैं। शास्त्र में इसके पर अनेक प्रमाण उपस्थित हैं। सूर्य को हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, हर रोज हमें दर्शन देते हैं। और रविवार के दिन भगवान की उपासना करने से, सुबह सुबह स्नान करके भगवान सूर्य की पूजा कर लेने से, उनका दर्शन करने से, धूप नैवेद्य इत्यादि पुष्प इत्यादि चढ़ाकर उनकी जो पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, कहते हैं कि भगवान सूर्य उन पर प्रसन्न होते हैं, उनके समस्त अशुभ कर्मों को भी क्षय कर देते हैं और पुण्यों का उदय कर देते हैं। बताया कि जब सूर्य कष्ट देने के योग बनाते हैं, खासतौर पे परेशानी वाले योग बनाते हैं, तो आपके जीवन में कई प्रकार की मुश्किलों को सामना करना पड़ जाता है। लेकिन जब सूर्य मजबूत हो, सूर्य को आप मजबूत कर लें आप उपायों के माध्यम से, तो आपके जीवन के बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार से विधि विधान से जो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, अर्घ देते हैं, तांबे के लोटे में लाल पुष्प चंदन इत्यादि डालकर, रोली डालकर जो अर्घ देते हैं, कहा जाता है कि उससे जीवन के कल्याण अद्भुत कार्य होते हैं और समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। एक बात का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, सूर्य के हमें ना उठाएं, हम सूर्य के पहले उठकर उनका दर्शन करें तो जीवन में कल्याण के योग बन जाते हैं। माँ अम्बे करेंगे कल्याण, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ग्रहों का परिवर्तन बड़ा विचित्र प्रकार से होता है और वो सब कुछ आने वाले समय में क्या कुछ होता है उसको बताता भी है। अभी पूरे विश्व में जो भयावह स्थिति बनी हुई है, एक युद्ध तो चल रहा ही, दूसरा युद्ध वहाँ पर चाइना और ताइवान का जिस प्रकार स्थिति बनी हुई है, बहुत सारे लोग लगातार इस बात की सोच बनाए रखे हैं कि किसी प्रकार से दूसरा युद्ध हो गया तो ये विश्व युद्ध की तरफ अवश्य चला जाएगा। हमारे ज्योतिषी गणनाएं दिखाती हैं कि ये युद्ध की भयावह स्थिति जो बनी हुई है और एक चल रहा है और आगे जो योग दूसरे लोग सोच रहे हैं बनने के हैं, बने रहेंगे ऐसे योग, लेकिन कोई बड़ा युद्ध होता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ हमें अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह दिखाते हैं कि आने वाले समय में महंगाई बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। आने वाले समय में जिस प्रकार के ग्रह योग दिख रहे हैं और ये युद्ध की जो स्थिति खड़ी है सिर पर, वो दिखाती है कि जनवरी तक का जो समय है वो महंगाई के रूप में बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाला है। तो ऐसे में हम सबको अपने खर्चों को कम करने का प्रयास करना चाहिए और जीवन में ग्रह के जो योग बन रहे हैं उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अनेक उपाय भी हैं, आपकी राशि के अनुसार से आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा वो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मांबे करेंगे कल्याण, मेष राशि वालों आज का दिन आपकी बुद्धि से सही योजनाओं का इस्तेमाल यदि करेंगे तो बहुत बढ़िया जाता दिखाई दे रहा है। धन को ज़्यादा महत्व देते दिखाई दे रहे हैं और सही भी है, कोई दिक्कत नहीं, धन को महत्व देने से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। व्यवसाय को नया रूप देने की योजना बन सकती है, लेकिन नए कार्य को करने का आरंभ करने का दिन शुभ नहीं दिखाई देता। आर्थिक उलझने आपको मध्यान्ह तक परेशान करती दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद अकस्मातिक धन लाभ से राहत मिलने के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए एक है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा रहेगा। देखिए रविवार का दिन है, भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करें, उन्हें अर्घ दें, जीवन में कल्याण के योग बनेंगे।
मांबे करेंगे कल्याण। दूसरी राशि वृक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है जान लीजिए। आज दिन का पहला भाग वृक राशि वालों आपके लिए दिखाई देता है कि आपकी सोची हुई योजनाएं पूर्ण करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन सावधानी रखिएगा, आलस और लापरवाही के कारण से हाथ में आए हुए लाभ से वंचित भी हो सकते हैं, इसलिए सावधान होकर काम करने का प्रयास करें। स्वयं का काम छोड़कर किसी अन्य लोगों के काम में फंसेंगे तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। अपना तो नुकसान कराएंगे कराएंगे, दूसरों की मुसीबत भी लग सकती है आपके। आज किसी और के झगड़े में बिल्कुल ना फंसे, मानहानि होने के योग भी बन सकते हैं आपके। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। मंदिर में नारियल अर्पित करें भगवान को, कल्याण के योग बनेंगे। मांबे करेंगे कल्याण। ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ विद्यमान हूँ और व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ लोग जुड़ जाते हैं, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। और इस वक्त ग्वालियर से सुधा वशिष्ठ जी का एक प्रश्न आया है, उन्होंने लिखा है कि पिछले कुछ महीनों से वे महसूस कर रही हैं कि उनके मेहमान जो हैं लगातार बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान कर रहे हैं, कुछ बिना बुलाए लोग भी उनके घर पहुंच जाते हैं और बिना बुलाए कारण से बिना पहले फ़ोन भी नहीं करते हैं, इसके कारण से कई बार समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जानना चाहती हैं क्या करें, वो किस प्रकार से इस समस्या का निदान करें, क्योंकि कहा गया है अतिथि देवो भव। देखिए भारतीय संस्कृति में शास्त्र के अनुसार से हमें अतिथि का स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल अतिथि सत्कार करना परम आवश्यक है, और लेकिन बिन बुलाए अतिथि का आगमन भी शुभ माना जाता है हमारी संस्कृति के अनुसार, लेकिन आतिथ्य करने के लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। ये एक हमारा संस्कार है, इसका फल तो मिलता ही है, लेकिन कुछ अतिथि नाराज होकर भी घर से चले जाए तो वो कष्टकारी बन जाता है, इसलिए हमें इस बात का सावधान रहना चाहिए। पूर्व परिचित लोग हैं वो आए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आ गए दो बार आ गए, लेकिन यदि बार बार कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके कारण से घर की बेटियों को बहुओं को मौसी को कई बार समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन जाते हैं। घर के मालिक का कई बार बुद्ध खराब हो रहा होता है, उसके कारण से ये कष्ट उत्पन्न होता है, ऐसे में रिद्धि शुद्धि दोनों का नुकसान होने के योग बन जाते हैं। आप एक काम किया करें, हर बुधवार के दिन विशेष तौर पर गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें। देखिए सिंदूर को अर्पित करने से, उनपे दूर्वा चढ़ाने से आपके अनेक प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे, दुर्भाग्य जो है वो बदलकर सौभाग्य में परिवर्तित होगा। मांबे करेंगे कल्याण। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ ज्यादा मेहनत के योग बनाता दिखाई दे रहा है। मध्याह्न के बाद परिश्रम का धन लाभ के रूप में आपको फल भी मिलता दिखाई दे रहा है। व्यावसायिक कार्यों में अतिरिक्त भागदौड़ आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, आप अपने काम को किसी और के ऊपर छोड़ने का इस बात को मत रखिएगा, अन्यथा पछताना पड़ सकता है, इसलिए खुद करें ही आपको काम का सफलता का योग बनेगा। आज शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए रहेगा नीला। अपने इष्ट देव को विशेष तौर पर पूजन करें, उनको नमन करें और दिन का आरंभ करें। मांबे करेंगे कल्याण। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। ग्रह दिखाते हैं कि परिश्रम से आपके फल को साध्य करने में आपके लिए योग बन सकते हैं। आज घर में किसी आयोजन को लेकर थोड़ी व्यस्तताएं बढ़ती दिखाई दे रही है, धन लाभ के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, फिर भी परिणाम आपके आशा के अनुरूप नहीं रहते दिखाई दे। सहकर्मियों के स्वभाव के कारण से, उनमें परिवर्तन आने के कारण से थोड़ी सी परेशानी होने के योग दिखाई देते हैं, पहले से सावधान रहें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद रहेगा। भगवान शिव का अभिषेक करें गन्ने के रस से, देखिए कल्याण के योग बनेंगे। मांबे करेंगे कल्याण। आज के मुख्य विषय के संबंध में बात कर लेते हैं, और इस आज का मुख्य विषय जो हम आपके समक्ष रखने वाले हैं, ईशान कोण, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है आपके घर की, वो आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रखती है। इस दिशा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वास्तु के दृष्टिकोण से दिशाओं के अनुसार से क्रियाकलाप करने से मनचाहे परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। और आज की हम बात करें तो उत्तर पूर्व दिशा जो है, और उत्तर पूर्व दिशा के द्वारा आप कैसे वास्तु कोण को शुद्ध कर सकते हैं। उत्तर पूर्व की दिशा खासतौर पर इमारत का बड़ा, घर का बड़ा पवित्र स्थान मानी जाती है, इसमें ईश्वर का सदा निवास माना जाता है, और पूर्व और उत्तर की दिशाएं जहां पर मिलती हैं उस स्थान को ईशान कोण के रूप में जाना जाता है। वास्तु के अनुसार से इस दिशा को ईशान कोण को मानकर भगवान शिव का स्वयं स्थान माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव का आधिपत्य उत्तर पूर्व दिशा के अंदर है, इसलिए ईशान कोण के रूप में भगवान का शंकर का साक्षात पर्वत माना जाता है। आप अपने घर के इस स्थल को विशेष तौर पर पवित्र रखने का प्रयास करें, जितना पवित्र रहेगा उतनी घर में समृद्धि स्वास्थ्य की बहुत अच्छी रास्ता बनेगा। ईशान कोण हमेशा साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। अपने घर में विशेष तौर पर सुख समृद्धि शांति प्राप्त करने के लिए, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए इस स्थान को जितना शुद्ध रखेंगे, साफ रखेंगे, जितना पवित्र रखेंगे, जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। ईशान कोण में क्या करना चाहिए जान लीजिए। सबसे पहले इस स्थान पर पूजा हमेशा ईश्वर के जीवन, आपके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद बनाए रखती है, सुख समृद्धि बनाए रखती है।
एक बात और, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे इसलिए इस दिशा को, ईशान दिशा को विशेष तौर पर साफ सुथरा पूर्ण रूप से रखने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इस स्थान को हमेशा जल के स्त्रोत, कुआं, बामी इत्यादि, पानी इत्यादि के लिए सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। जब नया घर बनवा रहे हो तो इस स्थान में विशेष तौर पर बोरिंग कराने की, पानी की व्यवस्था कराने का प्रयास करें। पानी भूमिगत पानी की टंकी लगा सकते हैं, बड़ा शुभ रहेगा। अपने घर से पानी निकालने को इस स्थान पर रखेंगे तो वो भी शुभ माना जाएगा। बच्चों के पढ़ने का कमरा हमेशा ईशान कोण में रखें तो देखिएगा उनके जीवन में उत्थान के, उन्नति के योग बनेंगे, पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इस दिशा में एक तुलसी का पेड़ या केले का पेड़ लगाने से कहा जाता है आर्थिक तौर पर बड़ा लाभ के योग बन जाते हैं। तो यह स्थान बड़ा पवित्र है, इसको पवित्र चीजों से सजाएं और जीवन में कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। और भी कुछ रहस्य की बातें हैं जो हम बताने वाले हैं, पहले हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। मामले करेंगे कल्याण, सिंह राशि वालों आज के दिन के पूर्वार्ध भाग में जो काम करेंगे भविष्य में लेकर थोड़ी चिंता उसको रह सकती है। मानसिक चंचलता आज ऐसे बना रही योग कि सही निर्णय लेने में परेशान उत्पन्न करेगी। मध्यान्ह तक का समय थोड़ा धैर्य रखते हुए काम करने का प्रयास करने चाहिए, उसके बाद सुधार आने के संकेत मिलेंगे। रुके हुए कार्य भी गति पकड़ने के साथ नए लाभ की तरफ, अनुबंध की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं उसके बाद, परंतु बड़े बुजुर्गों से मतभेद उत्पन्न हो सकता है। थोड़ी सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करें, अन्यथा हानि के योग बन सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 है आज के लिए, और साथ साथ हरा रंग आपके लिए बड़ा लाभ देगा। नमक का दान करना आज के दिन के लिए बड़ा शुभ योग बनाएगा। मामले करेंगे कल्याण, कन्या राशि वालों के लिए आज क्या कुछ करना चाहिए जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए आरंभ में खासतौर पर अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का, बड़ी जल्दी में आप काम करते दिखाई दे रहे हैं। मध्याह्न के बाद परिस्थिति बदलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। किसी कमी के कारण से कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं, इसलिए पहले ही भाग में सुबह सुबह ही पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। स्वभाव में थोड़ी व्यवहारिकता रखने से खासतौर पर इस बात का ध्यान रखिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक कार्यों में थोड़ी अरुचि उत्पन्न हो सकती है जो आपके कॉन्टैक्ट्स को दिक्कत में ला सकती है, इसलिए कोशिश करें थोड़े से प्रैक्टिकल होकर काम करने का प्रयास करें। 9 नंबर जो है आपके लिए शुभ रहेगा, लाल रंग आपको लाभ देगा। ठाकुर जी का सुबह सुबह दर्शन करें, उनकी पूजा करें, कल्याण के योग बनेंगे। मामले करेंगे कल्याण, आज हम ईशान के संबंध में बात कर रहे हैं। ईशान का जो स्थान है भगवान का खासतौर पर माना जाता है, ऐसे में इस स्थान में क्या कुछ नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार भूल कर भी ईशान कोण के अंदर कोई भी भारी चीज नहीं रखनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिशा में कोई भारी चीज रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार जो है वो रुक जाता है, पॉजिटिव एनर्जी जो एंटर कर रही होती है वो रुक जाती है, धन हानि के योग बन जाते हैं। इसलिए इस स्थान पर भारी स्टोर रूम, अलमारी वाले स्थान से रखने से बचना चाहिए, स्टोर रूम बनाने से रुकना चाहिए, भारी चीजें रखने से रुकना चाहिए। घर में यह दिशा जो है सबसे पवित्र मानी जाती है, इसमें खासतौर पर भगवान का वास होता है, और ऐसी जगहों पर कभी भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए जूते चप्पल या फिर कूड़ा कटरा नहीं इकट्ठे होने देना चाहिए, अन्यथा नकारात्मक ऊर्जा वहां उत्पन्न हो जाएगी और परेशानी उत्पन्न करेगी। ईशान कोण में भूल कर भी एक बात और ध्यान रखें, कई बार समझ लीजिए शौचालय लोग बना देते हैं, पता तो होता नहीं है, लेकिन जिन घरों में इस दिशा में शौचालय बना होता है उस घर में मानसिक पीड़ा, कष्ट इत्यादि, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, और जमा पूंजी जो है इन्हीं उपचारों में खर्च होती चली जाती है, इस बात से सावधान रहना चाहिए। यदि घर में ईशान कोण के मुख्यतः नवविवाहित दंपत्ति का बेडरूम भी नहीं बनाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसे में जब जिन लोगों ने बनाया उनके जीवन में कुछ मनमुटाव उत्पन्न हुए, समस्याएं बढ़ने लगी, तो इन छोटी छोटी बातों को यदि ध्यान रखेंगे तो कल्याण के योग बनाएंगे। ज्योतिष में जो शास्त्र में बताई गई बातें हैं वो सदा हमारे सबके कल्याण के लिए बताई जाती हैं, तो उनका अनुसरण हमें करने का प्रयास करना चाहिए। मामले करेंगे कल्याण, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। ग्रह दिखाते हैं कि आज का दिन आपके लिए शुभ रहता दिखाई दे रहा है। पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं में खासतौर पर निष्पक्ष फैसले लेने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले लोगों की राय अवश्य लेने का प्रयास करिए। कार्य में, व्यवसाय में सुव्यवस्था रूप से काम चलने के योग दिखाई देते हैं। धन लाभ का आशाजनक होता दिखाई दे रहा है योग, इसलिए सेहत का थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। पक्षियों को मक्के के दाने थोड़े डाल दीजिए, देखिए कष्ट कम होंगे। मामले करेंगे कल्याण, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। ग्रह दिखाते हैं कि शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बन सकती है। आज कार्य व्यवसाय में सोची हुई योजनाओं में थोड़ा सा विलंब होता दिखाई दे रहा है, विलंब से पूर्ण होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जिस भी कार्य को करें इस बात का ध्यान रखें कि समय से पूर्ण हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि समय से पूर्ण ना कर पाए और अपने जीवन में कष्ट के योग बना लें, तो इसलिए वादा कहीं खिलाफी ना हो जाए। आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ी सी कम लाभ वाला दिखाई देता है, प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पिंक रहेगा। गौशाला में सुबह सुबह हरी घास का दान करें, देखिए कल्याण के योग बनेंगे।
मामे करेंगे कल्याण। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन क्या है जान लीजिए। ग्रह दिखाते हैं, आज का दिन थोड़ा सा राहत भरा हो सकता है आपके लिए पिछले दिनों की अपेक्षा। पिछले कुछ दिनों से चल रही मानसिक परेशानियों में कुछ कमी आने के योग दिखाई देते हैं। धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने से आपको लाभ प्राप्त होगा, इसलिए कोशिश ये करें जहां भी जिस प्रकार भी धार्मिक गतिविधियों से जुड़ सके शुभ होने के योग बनेंगे। कार्य व्यवसाय के सिलसिले में मध्यान्ह तक थोड़ी भागदौड़ अधिक रहेगी, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ सकता है। इसके बाद अच्छी संभावनाएं दिखाई देती हैं, लाभ हो सकता है इसके बाद, तो इसलिए प्रसन्न हो। आपके लिए शुभ अंक 6 है, गुलाबी रंग आपको लाभ देगा। आज की शुभ तिथि में, शुभ दिवस में, शुभ मुहूर्त में दुर्गा पाठ करें, दुर्गा जी का पूजन करें, आपके लिए शुभ होने के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण। मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ दिखाई देता है ग्रहों का योग जान लीजिए। आज का दिन पूर्वार्ध जो है आपके लिए वो खासतौर पर लाभदायक हो रहेगा। इसमें समय रहते हुए आपको लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। मध्यान्ह के बाद जो स्थितियां विपरीत हो सकती हैं, संध्या के आसपास कुछ अनर्गल कार्य, गलत कार्यों में मेहनत, बेकार कार्यों में पैसा खर्च होने के योग दिखाई देते हैं। यात्रा का मन बनता दिखाई दे रहा है तो कोशिश करें फिलहाल स्थगित कर दें, क्योंकि कुछ कष्ट के योग बन सकते हैं वहां पर। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया रहेगा। आज के दिन मंदिर में गुप्त रूप से दान करने का प्रयास करें, आपके लिए शुभ रहेगा, कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। मामे करेंगे कल्याण। अब हम व्हाट्सएप के माध्यम से आए एक और मैसेज के बारे में बात कर लेते हैं। मुंबई से आया है मैसेज, और मनोज जी ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि उनके खून में थोड़ी चिकनाई अधिक हो गई, यानी कोलेस्ट्रॉल अधिक हो गया है, और उसके कारण से उनको डायग्नोज किया गया है कई जगह ब्लॉकेजेस, और जानना चाहते हैं क्या करें। देखिए ब्लॉकेजेस अभी शुरू हुई हैं, तो एक काम करें, बहुत ज़्यादा आप खासतौर पर बहुत ज़्यादा स्टोरवास इत्यादि मेडिसिन खाएंगे वो आप खाएं, लेकिन मैं आपको एक प्राणायाम बता रहा हूँ। देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं वो प्राणायाम करके दिखा रहे हैं। इसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी एक नाक को बंद करें, दूसरी नाक से सांस लें, और जिससे लिया है उसको बंद करके दूसरी नाक से निकालते हैं, जिससे लिया उसे दोबारा लें, लंबा गहरा दीर्घ स्लो सांस लेने का प्रयास करें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी स्वयं देखिए किस प्रकार से ये प्राणायाम आपको ऐप के माध्यम से करके दिखा रहे हैं। नित्य प्रति 100 बार रोज ये प्राणायाम करके देखें, देखिएगा आपकी सुकून से चिकनाई जो है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। एक काम और करना है सबसे आपको, और थोड़ी वॉक ज़्यादा करनी है, कम से कम 10,000 से 12,000 स्टेप डेली चलना है आपको। देखिएगा 2 महीने बिना किसी दवाई के आप यदि ये प्रोसेस कर लें, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं आपको करके दिखा रहे हैं, और साथ साथ वॉक करीब करीब 10,000 से 12,000 स्टेप, देखिएगा बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त होगा। और चिकनाई वाला खाना, कोलेस्ट्रॉल वाला खाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। सात्विक आहार पर आइए, सुपाच्य भोजन कीजिए, बिना किसी दवाई के आप लाभ ले सकते हैं। मनोज जी चिंता ना करें, ये बहुत सुंदर तरीका हमने आपको बताया है, करिए आपको लाभ प्राप्त होगा। मामे करेंगी कल्याण। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन है कैसा जान लीजिए। ग्रह दिखाते हैं कि आज के लिए आपके लिए खासतौर पर लाभ के अवसर बन सकते हैं, लेकिन आलस के कारण से, कई अन्य कारणों से आपका लाभ का स्थान किसी और के हाथ में जा सकता है, सावधान हो जाएं। ज़्यादा भावुकता से मुश्किलें आपके लिए खासतौर पर बढ़ सकती हैं, इसलिए गलत जो खासतौर पर लोग आपका फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं, बहुत सावधानी के साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और, आंख बंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें, अन्यथा नुकसान होने के योग बन सकते हैं, सावधान होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। शुभ अंक ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से जो दिखाई देता है हमें, 1 दिखाई देता है उसका आपको लाभ लेना चाहिए, नारंगी रंग आपको लाभ देगा। ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करें, आपके कष्ट कम होंगे। मामे करेंगी कल्याण। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आनंददायक योग बनाता दिखाई दे रहा है आज का दिन, परंतु जो फिजूल खासतौर पर बयानबाजी जो है उससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, पता नहीं मुंह से क्या निकल जाए। किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने से लंबे समय तक मतभेद रह सकता है, आज ऐसा योग बन रहा है। आर्थिक तौर पर आज का दिन शुभ दिखाई देता है, आज कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य होता दिखाई दे रहा है, परंतु जवान पर कंट्रोल रखने का प्रयास करें। हरा रंग आपके लिए शुभ रहेगा, 5 नंबर आपको लाभ देगा। गेहूं का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। ओम अश्वध्वजाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्।